हैं नाज़िम खान। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, तो आइए चलते हैं खबर। दिल्ली से जयपुर आए एक प्रेमी युवक की महिला के पति ने धारदार छुरी से गोदकर और गला रेतकर हत्या कर दी थी। विश्वकर्मा में 21 दिसंबर को ही वारदात में चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद महिला का पति मौके से भाग गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, युवक की पहचान कर उसके परिजनों को सूचना दी गई। FSL टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए। वहीं विश्वकर्मा थाना पुलिस 48 घंटों में आरोपी करण पंजाबी को जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार DCP ऋचा तामड़ ने बताया कि दिल्ली निवासी 22 वर्षीय योगेश कुमार की हत्या कर दी गई है। हत्या के मामले में विश्वकर्मा रोड नंबर 15 निवासी करण की तलाश है। करण कबाड़ी का काम करता है और उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। DCP तोमर ने बताया कि करण को शक था कि उसकी पत्नी के योगेश से संबंध है। करण और उसकी पत्नी के बीच कुछ महीने पहले झगड़ा हो गया था, तब उसकी पत्नी नाराज होकर दिल्ली पीहर चली गई थी। तब पत्नी की योगेश से जान पहचान हो गई थी, लेकिन पत्नी वापस घर लौट आई। योगेश 21 दिसंबर सुबह 4 बजे दिल्ली से बस द्वारा जयपुर विश्वकर्मा पहुंचा। यहां बस स्टैंड पर उतरकर करण की पत्नी को फोन किया। करण की पत्नी और योगेश की मोबाइल पर बात हो रही थी, करण भी उसे सुन रहा था। उसकी पत्नी योगेश को लेने बस स्टैंड पहुंची, करण भी चाकू लेकर पीछे पीछे चला गया। करण की पत्नी योगेश को अपने साथ पैदल ला रही थी, तभी रास्ते में छिपकर बैठे करण ने योगेश पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई पत्नी से भी मारपीट हुई। योगेश भी करण से गुत्थम गुत्था हो गया। इसी दौरान करण ने योगेश का गला रेतकर चाकू से हत्या कर दी। योगेश जमीन पर गिर गया तो करण वहां से भाग गया, जहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।